Hello everyone, welcome back again on my YouTube channel. So thumbnail देख के पता चल ही गया है कि आज हम कौन सी बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं. अब पल्सर 220F तो यार पता नहीं कितने सारे रिव्यूज़ पड़े होंगे और कितने एक्सपर्ट लोगों ने रिव्यू किया होगा, लेकिन वो सब उन्होंने एक नई बाइक का किया होगा सबने, या फिर ज़्यादा पुरानी बाइक नहीं होगी 10,000 या 20,000 किलोमीटर. आज मैं जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो मेरे बहुत ही ख़ास एक भाई हैं, उनकी बाइक है एंड वो मोर देन 50,000 किलोमीटर चल चुकी है. सो जस्ट इमेजिन वो किस तरह का एक्सपीरियंस होगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. 50,000 से ऊपर किलोमीटर बाइक चली हुई है एंड अभी भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है. मैंने पर्सनली चलाई हुई है उनकी बाइक. तो आज सुबह सुबह अभी सुबह के 6 भी बज रहे हैं, शायद 6 बज रहे हैं एंड अक्टूबर का एंड है, ठंड हो चुकी है. तो हम लोग का ऐसी प्लान बना कि चलो आओ मिलते हैं और चाय पी जाए. तो उनको पता नहीं है कि मैं आज अपने साथ अपना सेटअप लेके आ गया हूँ और आज वीडियो बनाएंगे, तो उनके लिए भी एक सरप्राइज़ होगा. बाकी ये है कि ये एक्सपीरियंस मैं ज़रूर से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कोई सेकेंड हैंड पल्सर 220F लेना चाहे तो क्या उसे लेनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यही है. और अगर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकें जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए तो वो भी डिस्कस करेंगे. क्योंकि भाई देखो, यूज़र का जो रिव्यू होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है. अगर कोई बंदा आपको ऐसा मिले जिसने 50,000 किलोमीटर के ऊपर एक बाइक पे पूरी अपनी ज़िंदगी काटी हुई है, पूरी नहीं तो आधी ज़िंदगी काटी ली, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसकी बातें सुनना. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें या तो आप एकदम नई बाइक के लिए जाते हो या फिर आप सेकेंड हैंड के बाइक के लिए जाते हो. तो हमें ऐसा लगता है कि काश कोई बता दे कि इस बाइक में कमियाँ क्या है, इस बाइक में अच्छाई क्या है, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि भाई हाँ ये बाइक है उसमें ये कमी है और ये चीज़ें अच्छी हैं. तो हम एक तरह से तैयार रहें कि हाँ हमें ये सब चीज़ें चाहिए. सो हमारा मीटिंग पॉइंट है केवल चाय. तो केवल चाय पे मिलते हैं और फिर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ कि पल्सर 220F अब कैसी दिख रही है. तो जल्दी से मिलते हैं केवल चाय पे. ये है हमारा केवल चाय पॉइंट. अब ये नाम थोड़ा अटपटा सा है कि लोग सोचेंगे केवल ये कैसा नाम है. सो जो यहाँ के ओनर हैं उनका सरनेम केवल है, तो इसीलिए इस चाय की दुकान का नाम है केवल. मुझे भी जब पहली बार मैंने सुना था केवल केवल क्या होता है, बढ़िया ही नाम है. बस अमित भाई का वेट हो रहा है, आई थिंक आने ही वाले होंगे. तो आ गए हैं अमित भाई. चाय आ गई है भाई, केवल की चाय. और ये है कितने साल पुरानी पल्सर? ये होगी भाई 2015 मॉडल है. 2015 मॉडल है. हाँ हाँ. और कितने किलोमीटर हो गए हैं आपके? बस 50,000 हुए हैं लास्ट वीक. लास्ट वीक 50,000 हो गए हैं. आइए चर्चा करते हैं. अभी थोड़ा सा, अभी तो आँखें खुली हैं. बस आँखें खुली हैं, बादल सब निकले हुए हैं. बालों की चिंता ना करिए, मैं एडिटिंग कर दूंगा अच्छी. हम आ चुके हैं पल्सर 220F पे. मुझे नहीं पता दिख रहा है इतनी साफ साफ 50,096 किलोमीटर, जैसे कि मैंने बताया था 50,000 किलोमीटर. यार इसकी यार एक बात है कि इसका साउंड अलग ही है भाई. मतलब RS का साउंड बहुत अच्छा है, लेकिन इसका साउंड दोनों का मिक्सचर है. एक रिफाइनमेंट फील हो रहा है बाइक में भाई. सही में यार अगर 2010 के आसपास ये फेमस हुई है तो उसके पीछे रीज़न भी है बहुत बड़ा. और ये बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है यार, मतलब सच में कंफर्ट भी है इसमें अच्छा खासा. अब लॉन्ग टूरिंग का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, वो पूछेंगे अमित भाई से कि लॉन्ग टूरिंग में कैसा रहा है, बट फील्स गुड. सो द गुड थिंग अबाउट दिस बाइक इज कि यार
इसने फेड बाइक का मार्केट पूरा लूट लिया था जब ये आई थी। इससे पहले हीरो करिश्मा थी जो चल रही थी, एंड मुझे याद नहीं कि कोई और फेड बाइक उस टाइम पे हम लोग मतलब सोच भी सकते थे। मैं 14 या 15 साल का था एंड मेरे कज़न के पास करिश्मा है, तो बहुत मन करता था चलाने का। उस टाइम करिश्मा ही दिखती थी, बट जब पल्सर 220 को एक बार मैंने रात में देखा था और जब ये निकली थी, साई से निकली थी बहुत प्यारी आवाज़ करते हुए, मेरा दिल आ गया था भाई इस पर। एक टाइम पे मुझे ये चाहिए थी, बट इवेंचुअली अपने पास आ रहे साई, विच इज़ इक्वली वर्थ इट। अब भाई पता है क्या है, देखो आज के ज़माने के लिए आप लोग हैं तो क्या है, ये थोड़ा सा मतलब सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्योंकि 200 सीसी है तो पेट्रोल कंज्यूमिंग बाइक है। हालांकि मुझे लगता है कि ये BS6 अगर वेरिएंट इसका आ रहा है तो काफ़ी रिफाइंड होगा, तो वो भी 30-35 के आसपास, 30 तो एवरेज देना चाहिए उसको भी। वो देखना पड़ेगा कि वो कितना देता है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, बट फिलहाल इसका एवरेज पता करेंगे अमित भाई से। यार बहुत प्यारी आवाज़ लग रही है इसकी, मतलब कोई कहेगा ये 50,000 किलोमीटर चली हुई है। पल्सर 220F, इसकी अपनी जो पावर है वो है इस मॉडल की 2015 की है 21 हॉर्स पावर, जो अब आ रही है BS6 वेरिएंट 2020 मॉडल जो लॉन्च हुआ था, लॉन्च कह लो या कलर स्कीम चेंज हुई, तो ये उसकी हॉर्स पावर रिड्यूस हो गई, जैसे कि हर BS6 के साथ हुआ है कि सबकी एमिशंस की वजह से रिड्यूस की गई है पावर, तो उसकी पावर आ गई है 20.5, तो हल्का सा डिफरेंस एक आएगा, लेकिन अपने पास तो जो है वो ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है वो इसका अराउंड 40 का है। आई एम नॉट श्योर कि 40 ऑन रोड दे पाती होगी कि नहीं, हाँ हाईवे पे दे देती होगी, पर सिटी में मुझे लगता है कि ये 32 से 35, जैसे कि RS का है वैसा ही देती होगी एवरेज। जो इनिशियल मॉडल आते थे, अगर किसी के पास 2010 का मॉडल होगा भाई, वो तो यार गजब एवरेज देता था। वो देता था 18 या 20 का, जब पता चलता था एक ज़माने में कि 18-20 का एवरेज, तो भाई मुंह बड़ा सा खुला रह जाता था। क्या रिफाइनमेंट है यार इसका भी, तो स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूज़र रिव्यू। अब अमित भाई का अब रिव्यू लेंगे और देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस उनका रहा है। तो ये है 220F जो कि चल चुकी है अराउंड 50,000 किलोमीटर्स, और हमारे साथ हैं इसके प्राइम ओनर अमित भाई। हाय, कैसे हैं अमित भाई? बढ़िया, आप सुनाओ क्या हाल है? मैं भी बढ़िया। सो अमित भाई, 2015 मॉडल, राइट, आज 6 साल हो चुके हैं, RS जैसी बाइक आ चुकी है, CBR आ चुकी है, KTM आ चुकी हैं और RC आ चुकी हैं। अगर आज भी ऑप्शन मिले पल्सर 220F या फिर KTM, RS, RC, आई विल डेफिनेटली गो विद दिस वन। उसका रीज़न है कि एक तो मैंने आपकी बाइक भी चलाई अभी, नो डाउट ऑसम बाइक है, बट प्रॉब्लम इज़ कि इसका जो एक कंफर्ट लेवल, जो एक तो हो सकता है कि मैं 6 साल से यही बाइक चला रहा हूँ, तो एक कंफर्ट लेवल सेट भी हो जाता है। आप कोई भी बाइक चलाओगे इतने लंबे समय तक की, तो आपका कंफर्ट लेवल उसके साथ सेट होगा। प्लस ऑप्शन ये है कि आप देख रहे हो इसकी स्पेस, इसमें आप किसी को भी बैठा सकते हो, आपके घर में आपके बूढ़े दादाजी हैं वो भी बैठ जाएंगे आराम से, या फिर कोई जवान है, आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, एवरीवन विल एडजस्ट हियर। बट उन सब गाड़ियों में क्या है ना कि थोड़ा सा ऊंची गाड़ियां हैं, तो कोई अगर देखो आपका पर्पस है केवल फन के लिए, मस्ती के लिए गाड़ी लेना या फंकी लाइफ जीने के लिए गाड़ी लेना इस तरह का, तो बात की बात है, आप बिल्कुल बिंदास लो। बट मैं सारी चीज़ें सोचता हूँ ना अब इस एज में आके, जब मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, देन आई फील फॉर मी दिस वन इज रियली गुड एंड वैल्यू फॉर मनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की डेट में जब मैंने लिया था तो ये ऑन रोड 98 की पड़ी थी मेरे को, अभी शायद ऑन रोड 160 की आ रही है। हाँ, एक 150 मतलब वो वैरी करेगा, 150 से 160 ऑन रोड पड़ जा रही है। तो 160 के जहाँ पर आजकल
150 सीसी की बाइक भी 1 लाख के ऊपर ही हो गई है सब। अरे R15M 2 लाख की लॉन्च हुई है बताओ, तो उस हिसाब से अगर आपको 220 सीसी 160 में मिल रही है 2021 में, 22 आने वाला है, तो मैंने तो बुरा नहीं है, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो। तो इतने इतने सालों में आपको ये इसका माइलेज एक अप्रोक्सीमेट आपने कभी नापा? बहुत ज़्यादा तो नहीं नापा है, बट हाँ मैंने 2-3 बार नापा है, और अभी रिसेंटली ही नापा था, तो आई बिलीव 6 महीने पहले, तो 38-39 था, 38-39 वो भी 220 सीसी, 220 सीसी का था, और वो भी आफ्टर सिक्स ईयर्स। ये अभी मेरी बाइक है वो 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, और जब मैंने एवरेज नापा था तो इट वॉज इन लेट 40s। और जो हमारी एक्टिवा आती है 125 सीसी, वो एवरेज अराउंड 35 का देती है। हाँ, सही है। तो कोई पूछे तो क्या बोले कि भाई 220 सीसी हमको 38 दे देती है। थी 2009 से 2013 के बीच में मैंने एक्टिवा चलाई थी, 100 सीसी की थी वो समय, तो उसका एवरेज मैंने नापा था तो बल्कि 30 के आसपास था, 30 से ऊपर नहीं था। और मतलब जब गाड़ी नई थी तब उसका मैंने एवरेज नापा था इसका, तो बहुत डाउन नहीं हुआ है, तब भी अराउंड 40 समथिंग देती थी। अभी भी था जब मैंने लास्ट नापा था तो 38 था, बट वो वेरी कर सकता है, हो सकता है मैंने जब नापा हो तब मैं गाड़ी थोड़ा रैश तरीके से चला रहा हूँ। अगर आप मैं आई बिलीव दैट अगर आप इसको आराम से चलाओ तो नॉर्मल कंडीशन में 40+ जा सकती है, 40+ जा सकती है, और हाईवे में तो 45-50 भी जा सकती है आराम से, मतलब और वो भी कम, लेकिन स्पीड मेंटेन रखनी होगी 60-70 पे। खैर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो यही है गाड़ी की मेंटेनेंस, इन 6 सालों में आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप मेरे को ये बताओ कि इसका पर सर्विस कॉस्ट कितना आ जाता है आज की डेट में? मैंने तो ज़्यादातर बजाज के ऑथराइज से कराया है, हालांकि मैंने बाहर भी कराया है, बट बाहर वाले में दिक्कत क्या है ना, हफ्ता दो हफ्ता सही चलती है, उसके बाद थोड़ा सा भारी चलने लगती है, तो बाहर बहुत मतलब अंतर काफ़ी आता है। बाहर आप कराओगे इसको तो इंक्लूडिंग इंजन एंड ऑल जो सर्विसिंग कॉस्ट होती है 700-800 में होती है बाहर। अच्छा। और थोड़ा बहुत काम होगा तो विद इन 1000 आराम से हो जाती है, बट मैं बाहर कम कराता हूँ अब, और बजाज ऑथराइज में कराता हूँ। जो इसकी लास्ट सर्विसिंग हुई थी वो उसमें कोई काम नहीं हुआ था, दैट वाज ओनली द नॉर्मल सर्विस, एंड उसमें लेबर चार्ज और इंजन मिला के समथिंग अराउंड 1100 हुआ था, 1100 से कम था थोड़ा, बट आप 1100 मान लो, 1100 500-600 रुपये के अराउंड, विद इन 500 समथिंग आपका इंजन होता है। आई बिलीव जो आपकी गाड़ी का भी इतना ही होगा, आता होगा उतना ही आता है, जो बजाज का ऑथराइज्ड ऑयल है वो 400-500 के अंदर आ जाता है, इंक्लूडिंग जीएसटी, लेबर चार्ज और थोड़ा बहुत जो होता है वो कुछ ग्रीसिंग ऑयलिंग ये सब करने में, व्हिच इज वर्थ इट यार। अब 1100 क्या ही है आज की डेट में, वो भी यार आप सर्विसिंग करा रहे हो, और बिलीव मी बजाज के ऑथराइज सेंटर से कराओगे तो बहुत ही अच्छा करते हैं, जो कि आपको नॉर्मल में नहीं मिलेगी, तो आप बाहर ना करवाओ। कई लोग होते हैं कि उनका फिक्स मैकेनिक है, अगर हाँ बहुत अच्छा फिक्स अगर आपका है बाहर जो अच्छा कर देता वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो जैसा भी तो कर ले, ऐसा है कि आपका पर्सन बढ़िया है कोई तो आप उसके यहाँ जा सकते हो, बट अगर आपके किसी सर्विस सेंटर में बाहर के जो लोकल है जान पहचान नहीं है तो मैं बजाज प्रेफर करूँगा ऑथराइज जाने में। अच्छा अच्छा अमित भाई ये बताइए, मान लीजिए आपको आज की डेट में ये पल्सर दिखती है 50,000 किलोमीटर चली हुई, एंड आपको सेकेंड हैंड ऑप्शन लेने का मिलता है, तो क्या आप उसके लिए जाओगे? यू मीन टू आस्क की 220 की सेकेंड हैंड? 220 की सेकेंड हैंड, वैसे तो मैं पर्सनली मेरा बिलीफ ये है कि मैं सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स इतना नहीं लेता हूँ, बट हाँ अगर 220 सीसी की बात है तो मैं जा सकता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी वर्थ इट है। आपको पता है कि ये गाड़ी कैसी चलती है और कितना अच्छा रिफाइनमेंट है? भाई एक बात ये भी है ना कि चलाने वाला भी कैसा है, किसी ने रेत के चलाई है बहुत ही ज्यादा, वो तो खैर कंडीशन देखनी ही पड़ेगी। तो हाँ अगर आप सेकेंड हैंड लेने जा रहे हो तो मेक श्योर कि किसी अच्छे जानकार से, जैसे आप जैसा जानकार बाइक का हो या फिर कोई मैकेनिक हो, उसे टेस्ट करवा लो, एंड इफ इट्स ओके, चेक ओके हो रहा है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं 220 सीसी के लिए, है ना, भले ही वो 5 साल पुरानी क्यों ना हो, 5 साल पुरानी हो, 50,000 चली हो, क्योंकि इस गाड़ी की लाइफ जो है, अब एग्जैक्ट लाइफ तो मेरे को पता नहीं, बट मजे से 1 लाख किलोमीटर चलेगी। क्या आपने कभी इस बाइक से कोई थोड़ी सी भी लंबी टूरिंग करी है? हाँ मतलब थोड़ी सी लंबी, एज इन मतलब शहर के बाहर? हाँ शहर के बाहर 500-1000 किलोमीटर। हाँ हाँ वो 100-200 किलोमीटर के तो कई ट्रिप्स मारे हैं, और जो मेरा लॉन्गेस्ट ट्रिप गया है वो मेरा एक फ्रेंड रोहित है, उसके साथ मैं गया था नैनीताल, तो इमेजिन करिए लखनऊ से नैनीताल, तो
अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आई बिलीव 500 किलोमीटर 500-600 है, 500-600 है। तो हम लोग यहाँ से होके गए थे, और आज के समय में यूपी की सड़कें अच्छी हो रही हैं। और ये ट्रिप हम लोगों ने मारा था 2017 में, तो उस समय कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चल रहा था, तो रफ रोड्स थी, रास्ते भर में पत्थर मिले थे। खासकर जो लखनऊ से हम लोग वाया हरदोई होके गए थे, तो हरदोई से शाहजहानपुर के बीच का रास्ता बहुत गंदा था उस समय, जो अप्रॉक्स स्ट्रेच 100 किलोमीटर का मान लो उस समय। तो वो गंदे रास्ते से होके गए थे। और हाँ, एक अच्छी एक मतलब वो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बता रहा हूँ, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। अच्छा। तो उस समय मैंने नया टायर भी बदलवाया था, तो जो पीछे के वाले टायर की हवा थी वो 5 पाउंड केवल थी। मैं बार बार हम लोग रास्ते भरवा रहे थे उसको 40, बट 5 हो जा रही थी बार बार। तो मैंने कहा लेट्स गो, देखा जाएगा। तो क्योंकि कोई टायर की शॉप नहीं मिल रही थी, उसके बाद भी हम लोगों ने नैनीताल तक इसको खींचा विद 5 पाउंड एयर, आराम से चली, कोई दिक्कत नहीं हुई। नैनीताल जाके पंचर बनवाया, वापस आए। 3 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 दिन के बीच में 1100 से 1200 किलोमीटर ये गाड़ी चली थी। और जिस समय ये ट्रिप मारा था उस समय ये 30,000 किलोमीटर चल चुकी थी अप्रॉक्स। ऐसे ही मज़ा आ गई थी, कोई इशू नहीं हुआ था। दो लोग गए थे, दोनों के बैग थे, एक आगे करके आगे वाला बैठा था, पीछे करके पीछे वाला बैठा हुआ था। दोनों ने बराबर से चलाई और मज़ा आ गई, और कंफर्ट एकदम ज़बरदस्त कंफर्ट था, कोई इशू नहीं थी। कुछ गाड़ियाँ होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वीडियो पे, बट ये है कि आप पीछे बहुत देर तक बैठोगे तो आपके बैक में पेन हो जाता है। बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं था, पीछे वाला आगे वाला दोनों वहीं निकला रहा था। तो ओवरऑल बाइक में तो मैं इसको जरूर मतलब इस बाइक की सबसे अच्छी चीज़ ये होगी 220cc, फिर इसका माइलेज और ऊपर से कम्फर्ट, सब कुछ ऑल इन वन पैकेज। अगर कोई बंदा या बंदी ऑल इन वन पैकेज की बाइक ढूंढ रहा है तो उसके लिए 220F एकदम परफेक्ट बाइक है, और सेकंड हैंड भी वो प्रोवाइडेड कंडीशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो इसके लिए जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड हैंड में ये है कि आप कोई भी गाड़ी लो, एक जानकार से चेक जरूर करवाना चाहिए। यू नेवर नो कि पिछला वाले ने, आपका दोस्त भी हो सकता है, कैसे रेत के चलाई क्या चलाइए। वो तो मैं हाँ एक चीज बताना और बताना चाहूंगा आपको कि 50,000 चल चुकी है इसका, मैंने अब तक की क्लच प्लेट वही ओरिजिनल चल रहे हैं। अच्छा, 50,000 पे। इसके पहले जब मैं बीटेक में था तो मेरे पास एक्सट्रीम हुआ करती थी, सीबीजी एक्सट्रीम, तो दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड बाइक, बहुत चलाई है, मज़ा आई थी। बट जहाँ तक मेरे को याद है 25-30,000 में, जो कि प्रेफरेबल भी होता है, क्लच प्लेट बदल गए थे। इसका 50,000 हो गया है अभी तक, क्लच प्लेट बदला नहीं अभी है। हाँ, थोड़ा मतलब डेफिनेटली थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही 50,000 पे, लेकिन अभी तक बदला नहीं है, गुंजाइश है बदलने की, बट इतनी भी नहीं है अभी। मतलब मैं चाहूँ तो अभी और चला सकता हूँ, और मैंने इवन सर्विस सेंटर से कंफर्म भी किया था, तो उन्होंने कहा था बिंदास चलाओ, आगे चल के कभी अगर हाफ इंजन का काम करना पड़ा तो उसी बदल देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कह रहा हूँ मजबूती मस्त है। तो एक नंबर गाड़ी, सारे के सारे फीचर्स गाड़ी में, और क्या चाहिए बस। बाकी आपने भी चलाई है, थोड़ा आपको कैसी लगी अखिल भाई? मेरे को तो यार, मेरे को पता है क्या इसकी अच्छी चीज़ लगी, कि जैसे RS थोड़ी हैवी गाड़ी है, तो RS में क्या है, जब आप टर्न लेते हो ना तो आपको थोड़ा सा रेडी रहना होगा, अगर कोई अचानक टर्न आता है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है RS में, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे बिल्ट हुई है। लेकिन इसका जो टर्न मैंने लिया, जब मैं थोड़ी सी भी कॉर्नरिंग कर रहा था तो बहुत स्मूथली मूव हुई। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं कि इसका, एक तो 15 किलो वज़न कम है RS के कंपैरिजन में, और प्लस इसके टायर सेक्शन पतले हैं, जो पीछे का टायर है आई थिंक वो 120 और आगे का 90 है, तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि एक जो होलसम कॉम्बिनेशन है वो एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट है, और मतलब आप इसको कह रहे हो कि ये दोनों का डिग्री में फिट है नॉर्मली उसके लिए भी। हाँ, स्टाइलिश, किसी को स्पीडिंग करनी है स्पीडिंग कर ले, किसी को गर्लफ्रेंड को घुमाना है आराम से घुमाए, फैमिली के मेंबर्स को लेके जाना है उनको लेके जाए, सब कुछ ओवरऑल एकदम परफेक्ट बाइक है। और दूसरी बात ये, इसका लुक्स ऐसा है, लुक्स अच्छे भी हैं और ज़्यादा शोबाजी वाले भी नहीं है। तो अगर कोई सेटिस्फाइड है, क्योंकि RS का तो एकदम अलग लुक आता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है, लुक तो आप लोग उसके मैच ही नहीं कर सकते इन दोनों का, तो इन दोनों का लुक्स के मामले में तो खैर वो आ गया, डेफिनेटली आ गया, लेकिन ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन में आ जाओ तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब ओवरऑल कॉम्बिनेशन में ये ज़्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि RS में कम्फर्ट लेवल की थोड़ी दिक्कत होती है, तभी मैंने उसमें सीट्स भी लगवाई, सीट में एक्स्ट्रा कुशनिंग करवाई, तो थोड़ा कम्फर्ट सही हुआ, लेकिन वो पूरी तरह अभी भी रिजॉल्व नहीं है। इसमें मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं ढूंढता भी हूँ कि कोई इशू मिले तो यार, लेकिन ऐसा कोई इशू मिला नहीं, कोई इशू मिला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अल्टीमेट रिव्यू है 50,000 किलोमीटर ड्रिवन बाइक। अगर किसी को एग्जैक्ट देखें, एक सेकंड रुकिए, अभी मैं चला के ही आया हूँ वैसे तो, ये 50,105 50,105 किलोमीटर। चलो तो अमित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी. और ये है अपनी RS, ये है 220F साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच, बाय बाय. है ना यार, 80 का पहुंचती पता चलता ही नहीं है. डीजे देखा 80 स्पीड है, हल्का चला रहा था.